जिसमें उन्होंने असेंबलियों की तहलील पर सीनियर कयादत से राय तलब की। इससे कबल वो तमाम डिवीजन्स के अरकान असेंबली से मुशावरत मुकम्मल कर चुके हैं। इमरान खान पंजाब असेंबली की तहलील पर काफलीग को आज ही एतमाद में लेंगे। इमरान खान से मोनस इलाही की मुलाकात का भी इम्कान है। पीटीआई चेयरमैन कुछ देर में कारकुनों से खिताब भी करेंगे। आइंदा की हिकमत अमली पर अहम ऐलानात का इम्कान है। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज लाहौर के नुमाइंदे अतीक मलिक से। अतीक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान का सीनियर क़यादत के साथ एक अहम इजलास जारी है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी पहलुओं पर मुशावरत की जा रही है। जो सीनियर लीडरशिप है उनका जो है वो आइंदा की हिकमत अमली के बारे में भी बातचीत जो है वो की जा रही है, क्योंकि चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान की जानिब से पंजाब और केपी की असम्बलियां तहलील करने के हवाले से बयान दिया जा चुका है। और इस हवाले से खास तौर पर हिकमत अमली तय की जा रही है कि बयक वक्त दोनों असम्बलियां तहलील करनी है या पहले किसी एक असेंबली को तहलील करके फेडरल गवर्नमेंट का रिएक्शन चेक किया जाए। इस पर तमाम जो इजलास से ताल्लुक रखने वाले एमपीज और एमएनए हैं उनकी मुशावरत भी ली जा चुकी है, उनसे बातचीत भी की जा चुकी है। और इसके बाद आज सीनियर क्यादत का जो है वो इजलास जारी है, और इस इजलास में उमर फवाद चौधरी, हमाद अजहर और दीगर जो सीनियर रहनुमा है वो शरीक हैं। और आज की जो सियासी पहलू है उस पर बातचीत की जा रही है। इससे पहले भी कई जो अरकान असेंबली है उनकी जानिब से ये जो सजेशन जो है वो की गई थी कि आप दोनों असेंबलियां बयक वक्त तहलील ना करें, सबसे पहले आप पंजाब की असेंबली को तहलील करें और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट का रिएक्शन चेक करें और उसके बाद दोबारा से जो दूसरी असेंबली है केपी की उसको तहलील किया जाए। और इस हवाले से जो हिकमत अमली है वो तय की जा रही है। और अब से कुछ देर के बाद चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान का एक खुसूसी खिताब भी होने जा रहा है। आतिफ मलिक, ये बताइएगा कि इस वक्त सीनियर कयादत का अहम इजलास तो जारी है और कहा जा रहा है कि काफ लीग को भी आज एतमाद में लिया जाएगा और कहा यह जा रहा है कि मोनस इलाही से आज उनकी मुलाकात का जो है वो इम्कान है। मुलाकात कब होगी ये कुछ बताया गया है? बिल्कुल, अभी तक तो जराये का ये बताना है कि मोनस इलाही की इमरान खान के साथ मुलाकात शेड्यूल हो चुकी है और मुमकिन है कि इमरान खान के इजलास के फौरी बाद ही मोनस इलाही का मुलाकात जो है वो हो जाए और उसमें पंजाब असेंबली तहलील करने के हवाले से उनको एतमाद में लिया जाएगा और उनकी राय भी ली जाएगी और उनसे मुशावरत भी की जाएगी। क्योंकि जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही भी इससे कबल चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान से मुलाकात कर चुके हैं और उनको असेंबली तहलील करने के हवाले से अपनी फुल सपोर्ट है वो देने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन अभी हतमी तौर पर जो फाइनल फैसला होगा उसके लिए मोनस इलाही जमानत पर आएंगे और चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करेंगे और उनको मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से और असेंबली तहलील करने के हवाले से अपना पैगाम भी पहुंचाएंगे और मुशावरत भी की जाएगी। इसी वजह से और आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि आज सीनियर कयादत का अहम इजलास जारी है, जिसमें उन्होंने असेंबलियों की तहलील पर सीनियर कयादत से राय तलब कर ली है। इससे कबल वो तमाम डिवीजन्स के अरकान असेंबली से मुशावरत भी मुकम्मल कर चुके हैं और इम्कान है कि आज वो मोनस इलाही से भी मुलाकात करेंगे और काफलीग को भी आज ही एतमाद मिलेंगे। हमें तफसीलात दे रहे थे अतीक मलिक, आपका बहुत शुक्रिया।